मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है पूरे देश में, और पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया इससे परेशान है। लाखों की संख्या में लोग इससे पीड़ित हैं, मर रहे हैं, लोगों के रोज़गार छिन गए हैं। एक बड़ा व्यापक संकट पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हम मध्य प्रदेश के लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। इस बीच में चुनाव की बेला भी मध्य प्रदेश में आ पहुंची है। 24 सीटों पर आगामी महीनों में उपचुनाव होने वाला है। यह स्थिति तब बनी जब कमलनाथ जी की सरकार गिर गई, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पाला बदलकर बीजेपी में चले गए, और उनके साथ में उनके जो समर्थक विधायक थे वो भी बीजेपी में चले गए। ऐसी स्थिति में 24 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। इनमें से खासकर ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो यहाँ पर 16 सीटों पर उपचुनाव होना है, और धीरे धीरे चुनाव की बेला आ पहुँची है। मित्रों, मैं आपको बता दूँ, जहाँ एक तरफ कोरोना संकट है, वहीं ये चुनाव की बेला लोगों को एक तरह से परेशानी में डालने वाली है। ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पर वहाँ पर जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वे अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे आज तक भाजपा में पूरी तरह से घुल मिल नहीं पाए। उन्हें भाजपा के लोग बाहरी समझते हैं, तो ये एक बड़ा संकट उनके सामने रहेगा कि बीजेपी का जो कैडर है वो इनका कैसे समर्थन चुनाव में करे। दूसरी बात, एक बड़ी समस्या ये भी सामने है उनके कि उन पर आरोप लग रहे हैं कि मंत्री लोग 50 करोड़ रुपए लेकर आए हैं और विधायक 33 करोड़ रुपए लेकर आए हैं, तो ये जो उनके ऊपर एक आक्षेप है उसमें कितना सही है कितना गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये आरोप हवाओं में खुली फजाओं में बहुत अच्छी तरह से तैर रही है, और ये जन जनता के बीच में ये बात है कि ये पैसा लेकर भाजपा में गए। तो ये जो आरोप है ये इन विधायकों की जीत में निश्चित तौर पर बाधक बनने वाला है। रही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया की, वे राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए हैं, और निश्चित तौर पर जैसी कि डील हुई है वे अब मंत्री भी बनेंगे केंद्र में, और इन विधायकों को वे कितना सपोर्ट कर पाते हैं कितना समर्थन कर पाते हैं ये भविष्य तय करेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम से इस बात पर आमादा है कि वे ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों पर विजयश्री हासिल करे, और इसके लिए वो निरंतर इन विधायकों को जो बीजेपी में आए हैं पार्टी छोड़कर घेर रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दगेबाजी के धोखेबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं। 1857 के समर में जिस तरीके से सिंधिया जी के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, पहले भाजपा के लोग इस तरह के आरोप लगाया करते थे कि 1857 में उन्होंने झांसी की रानी का साथ नहीं दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया, वही आरोप अब कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। तो आगे भविष्य में इस तरह के बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर भाजपा के लिए ये संकट का विषय होगा, क्योंकि भाजपा को आगे चलकर अपनी सरकार बनानी है, मजबूत सरकार बनानी है। अगर इन सीटों पर वो जीत पाएगी तभी ये सरकार आगे चल पाएगी। तो कोरोना संकट का ये समय है, हम तो जनता से यही निवेदन करेंगे कि वे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लें, चुनाव को देखें अच्छे से, और जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जो दमदार प्रत्याशी हैं, जो जनता के लिए काम कर सकें, ऐसे लोगों को वोट करें, और एक नई सरकार का बनाने में नई सरकार बनाने में अपना जो भूमिका है उसको अदा करें। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।